हेलो। हाँ, क्या कर रही थी तुम? अच्छा, मैं तो तुम्हें मिस क्या हुआ राहुल? कुछ नहीं डैड। डैड, अरे बताओ। एक्चुअली मुझे आपसे कुछ कहना है। बोलो ना बेटा। एक्चुअली वो मैं बता रहा हूँ, मुझे लड़की आती है प्रोजेक्ट के लिए घर पे, तुम्हें उससे प्यार हो बेटा। शी इज अ गुड गर्ल। तुमने प्रपोज किया? डू नॉट वेस्ट टाइम, जस्ट गो अहेड माय बॉय। ऑल द बेस्ट। डैड, थैंक यू डैड। हाय पापा। हाँ, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं पापा? वो आपसे थोड़ी बात करनी थी पापा। वो मेरा जॉब। देखो बेटा, इस कोरोना की महामारी में पूरी दुनिया में अच्छे अच्छों के जॉब चले गए हैं। यस पापा। जो सबका होगा वो तुम्हारा भी होगा। डरने की कोई ही बात नहीं है। मेहरबानी करके वापस आ जाओ, यहीं रह के कोशिश करो। सब नॉर्मल हो जाएगा, तब जॉब अवश्य मिलेगा। टेंशन मत लो, वापस आ जाओ। कहाँ जा रहे हो? तो पापा मैं फ्रेंड के घर जा रहा हूँ। क्यों? वो स्टडीज के लिए। राज अच्छा लड़का नहीं है, उसके संगत में रहोगे तो बिगड़ जाओगे। पापा ऐसा भी हो सकता है वो मेरे साथ रहकर सुधर जाए। बेटा पहुंच गया? हाँ पहुंच गया डैड। कहाँ रुका है? डैड बाद में बात करें, अभी काम की बात चालू है सर के साथ। रुक रुक, पहले जवाब दे, काम बाद में कर लेना। होटल में? अरे बेटा तू होटल में रुका है मुझे पता है, लेकिन होटल कहाँ पर है, लोकेशन क्या है बता। हैं? लोकेशन क्यों? अच्छा एक काम कर, व्हाट्सएप पे मुझे लोकेशन भेज लाइव। ये क्या बात हुई? आपको मुझ पर भरोसा नहीं है ना कि मैं शूट पर हूँ? बहाना बनाकर लोकेशन मांग रहे हो। मैं आपको लोकेशन सेंड नहीं करूंगा। जितना बोला है उतना कर, सामने सवाल मत कर। और फोन कट करने से पहले मेरी एक बात सुन लेना बेटा। बाप को समझने की कोशिश कर, जिस दिन तू बाप बनेगा ना बेटा तब समझ में आएगा। ठीक है सॉरी। मैं तेरा लाइव लोकेशन इसलिए जानना चाहता हूँ कि अगर तुझे वहां कुछ हुआ और कुछ तकलीफ हुई तो मैं कुछ अरेंज करूँ, कुछ भेज पाऊँ। आई कुड हेल्प यू आउट बेटा। मैं लोकेशन सेंड करता हूँ, जल्दी भेज। डैड तो यहाँ से कितने किलोमीटर दूर है और हम दोनों अलग स्टेट के अलग सिटीज में हैं, तो क्या और कैसे हेल्प करेंगे मुझे कोई भी सिचुएशन में?